देख रहे हैं पुलिसवाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिए बीआरपी भर्ती में चयन करने के लिए 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त नव प्रशिक्षित बीआरपी को चयन में प्राथमिकता देने के लिए रंजीत सिंह केशावत के नेतृत्व में अजमेर जिले के नए बीआरपी संगठन ने गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर देविका तोमर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त बीआरपी को चयन में प्राथमिकता दी जाए एवं शिक्षा और उम्र की बाध्यता नहीं हो। सरकार द्वारा हटाए गए पुराने बीआरपी एवं बीआरपी का चयन नहीं किया गया, जबकि ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। नए प्रशिक्षित बीआरपी समूह ने माह जून जुलाई में अजमेर जिले में चिन्हित पंचायतों में सोशल ऑडिट कर लगभग 38 लाख की रिकवरी उजागर की है, जिससे ग्राम पंचायतों में हड़कंप मच गया था। नए बीआरपी के कार्य से आमजन बहुत खुश है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया में 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त नए प्रशिक्षित बीआरपी को प्राथमिकता दी जाए। इस दौरान जिला प्रशासन ने बीआरपी की बात सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान सरवार से रंजीत सिंह केशावत, गोविंद जांगीर, कृष्णा चौहान केकड़ी से वंदना टाक, अभिषेक सावर से रमेश भील, भिनाय से महेश वैष्णव, ममता रावत पिसांगन से दलजीत सिंह, रंजीत रावत अराई से छीतरमल चौधरी, राजकुमार नंदकिशोर श्रीनगर से पिंकी, सिलौरा से पार्वती, अजमेर ग्रामीण से राजेश दिनेश कुमार आदि मौजूद रहे।